हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर फंडामेंटल सब्जेक्ट टॉपिक इज पल्स ऑक्सीमेट्री। इंट्रोडक्शन। पल्स ऑक्सीमेट्री इज ए नॉन इन्वेसिव मेथड फॉर मॉनिटरिंग ए पर्सन ऑक्सीजन सेचुरेशन थ्रू इट्स रीडिंग ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन डिजायरेबल रीडिंग ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन फ्रॉम आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस that two are correlated well enough that the safe, convenient, non-convenient, inexpensive pulse oximetry method is valuable for measuring oxygen saturation in clinical use. पल्स ऑक्सीमेट्री एक इन नॉन इन्वेजिव मेथड होता है जो कि एक पर्सन में ऑक्सीजन सेचुरेशन की मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसकी रीडिंग से क्या होता है, जो पेरिफेरल ऑक्सीजन डिजायरेबल जो रीडिंग होती है, जो पेरिफेरल ऑक्सीजन की जो रेट होती है वो असेस की जाती है एट्रियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, और ऑक्सीजन जो एट्रियल ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो भी इससे असेस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पल्स ऑक्सीमेट्री मेथड है वो अलग अलग तरह से वैल्यूएबल होता है फॉर मेजरिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन इन क्लिनिकल यूज। ये होता है पल्स ऑक्सीमेट्री, जो मशीन होती है पल्स को मॉनिटर करने के लिए। पर्पस क्या है इसके, मॉनिटर एट्रियल ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉन इन्वेजिवली। सेकेंड होता है मेक एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ क्लिनिकल हाइपोक्सीमिया, एंड थर्ड होता है असेस टॉलरेंस ऑफ टेपरिंग ऑफ ऑटो थेरेपी। इसके बाद में असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन क्लाइंट एट रिस्क ऑफ हाइपोक्सीमिया दैट इज रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक डिजीज। ठीक है, मतलब जो किसी में हाइपोक्सीमिया की रिस्क हो, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी का रिस्क हो, जैसे कि अगर उसमें रेस्पिरेटरी या कार्डिक डिजीज हो, तो ऐसे क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, तो इसमें पल्स ऑक्सीमेट्री बेनिफिट होती है। सेकेंड होता है आइडेंटिफिकेशन इफ क्लाइंट वुड बेनिफिट फ्रॉम कंटिन्यूस वर्सेस इंटरमीटेंट ऑक्सीमेट्री मॉनिटरिंग। ठीक है, असेस क्लाइंट बेसलाइन रेस्पिरेटरी स्टेटस इंक्लूडिंग वाइटल साइंस स्किन एंड नेल बेड कलर ब्रीथ साउंड ईटीसी। ठीक है, प्रीवियस लैब एचबी हेल्प टू आइडेंटिफाई एनीमिया इन क्लाइंट हुज ओटू कंटेंट इन द ब्लड मे बी लो। ओके, फिफ्थ है ऑब्जर्व क्लाइंट हाइट एंड साइज एंड नोट एनी एलर्जी टू एडेसिव्स। ठीक है, सिक्स है चूज अप्रोप्रिएट सेंसर। इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं इसमें, पल्स ऑक्सीमेट्री सेंसर प्रोब होता है, एसीटोन एंड नेल पेंट रिमूवर इफ नीडेड। ठीक है, कंटिन्यूस प्रिंटआउट ऑप्शन। प्रोसीजर क्या होता है इसका, प्रोसीजर में सबसे पहले सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्टेप ऑफ सेंसर या टू और सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सेंसर कंसिडरेशन एंड क्लाइंट वेट लेवल एक्टिविटी एलर्जीज एंड एंटिसिपेट ड्यूरेशन ऑफ मॉनिटरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सेंसर या फिर जो ऑक्सीमेट्री होती है उसको चूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसका क्या रेशनल होता है, प्रॉपर सेंसर विल इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है एक्सप्लेन पर्पस ऑफ प्रोसीजर टू क्लाइंट एंड फैमिली। ठीक है, फैमिली और उसके क्लाइंट और फैमिली को पर्पस उसका एक्सप्लेन करना चाहिए प्रोसीजर का। क्यों, क्योंकि अंडरस्टैंड द प्रोसीजर इंक्रीज द कॉम्प्लियंस एंड प्रिवेंट एंगजाइटी। थर्ड है इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू ब्रीथ नॉर्मली। ठीक है, उसको बोले कि नॉर्मली वो ब्रीथ ले। क्यों, क्योंकि कंसिस्ट ब्रीथिंग प्रिवेंट लार्ज फ्लक्चुएशन इन माइन्यूट वेंटिलेशन एंड इन एक्यूरेट फ्लक्चुएंस ऑफ SaO2 लेवल। फोर्थ इज सेलेक्ट अप्रोप्रिएट साइट टू प्लेस सेंसर। ठीक है, सेंसर को अप्रोप्रिएट साइट पर प्लेस करना है। उसके बाद में रिमूव फिंगर नेल पॉलिश, अगर नेल पॉलिश लगी हुई है तो नेल पॉलिश को रिमूव करना है, और एक्रिलिक नेल्स फ्रॉम डिजिट टू बी यूज। ठीक है, सिक्स होता है अटैच सेंसर प्रोब एंड कनेक्ट इट टू पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, सेंसर प्रोब को कनेक्ट करें और पल्स ऑक्सीमेट्री से। उसके बाद में मेक श्योर द फोटो सेंसर आर एक्यूरेटली अलाइंड। उसके बाद में
मेथ्स फॉर पल्स सेंसरिंग बार ऑन फेस ऑफ ऑक्सीमेट्री टू फ्लक्चुएट विद ईच पल्सेशन एंड रिफ्लेक्ट पल्स स्ट्रेंथ. उसके बाद में इफ कंटिन्यूस पल्स ऑक्सीमेट्री इज डिजायर्ड सेट अलार्म लिमिटेड ऑन मोनिटर टू रिफ्लेक्ट द हाई एंड लो ओ2 सेचुरेशन एंड पल्स रेट. ठीक है. उसके बाद में रीड ओ2 सेचुरेशन फ्रॉम मोनिटर डॉक्यूमेंट एज अप्रोप्रिएट विद ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइंट चार्ट. रिपोर्ट एस ए ओ2 लेस देन 93% टू फिजिशियन. ठीक है. उसके बाद में इसके एडवांटेज क्या क्या है. ऑक्सीमेट्री इज ए कन्वीनियंट एंड पेनलेस अल्टरनेटिव टू नीडल स्टिक्स. ओके. इट इज सिंपल टू यूज एंड प्रोवाइड इमीडिएट डाटा. फैक्टर अफेक्टिंग एक्यूरेसी ऑफ ऑक्सीमेट्री क्या क्या होते हैं. इन एडुकेट पेरिफेरल ब्लड फ्लो फॉर ऑक्सीमीटर टू डिटेक्ट पल्स. ठीक है. सेकेंड होता है कंडक्शन सच एज रूम लाइटिंग, क्लाइंट मोशन, सिगरेट स्मोकिंग और नेल पॉलिश. ठीक है. थर्ड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग रिजल्ट इन फॉल्स रीडिंग. ठीक है. फोर्थ होता है इडिमा एट सेंसर साइट. तो ये हमारा हो गया पल्स ऑक्सीमेट्री. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेस्ट फिजियोथेरेपी. तो चेस्ट फिजियोथेरेपी डेफिनेशन क्या होती है. चेस्ट फिजियोथेरेपी इज ए ग्रुप ऑफ थेरेपीज फॉर मोबिलाइजिंग पल्मोनरी सिक्रीशंस. दीज थेरेपीज इंक्लूड चेस्ट परकशन, वाइब्रेशन, पोस्टुलर ड्रेनेज. तो ये एक ग्रुप थेरेपी होती है जिसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी सिक्रीशंस का मोबिलाइजेशन होता है. तो इस थेरेपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि पल्स पर चेस्ट का परकशन करना, वाइब्रेशन करना और पोस्टुलर ड्रेनेज करना. ठीक है. चेस्ट फिजियोथेरेपी इज फॉलोड बाय प्रोडक्ट कफिंग और सक्शनिंग ऑफ ए क्लाइंट हु हैज डिक्रीज एबिलिटी टू कफ. ओके. दिस इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर पेशेंट विद लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रीशन एंड इन इफेक्टिव कफ. उसके बाद में इसके इंडिकेशन. इट इज इंडिकेट फॉर द क्लाइंट इन होम कफ इज इन सफिशियंट टू क्लियर थिक टेनेसियस और लोकेलाइज सिक्रीशन. ठीक है. कब 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 कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, जब पेशेंट उस कफ में कफ करने में असक्षम हो. इन सफिशियंट टू क्लियर थिक, मतलब जो कफ है वो थिक है, टेनेसियस है. ठीक है. लोकेलाइज सिक्रीशन है तो इस कंडीशन में वो कफ आउट नहीं कर पाए, उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी दी जाती है. उसके जैसे कि इसके एग्जांपल है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस में, एटेलेक्टेसिस में, लंग एब्सेस में या फिर निमोनिया में फिजियोथेरेपी दी जाती है. इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं. इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अनस्टेबल हेड और नेक इंजरी. ठीक है. एक्टिव हेमरेज और हिमोप्टाइसिस. ठीक है. उसके बाद में रिसेंट स्पाइनल इंजरी, रिब फ्रैक्चर, फ्लेयर चेस्ट, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, एंटीकोगुलेंट, थोरेसिक सर्जरी. इन सब कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, फिजियोथेरेपी नहीं दी जाती. असेसमेंट ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी. तो असेसमेंट के लिए असेस द वाइटल साइंस. सबसे पहले वाइटल साइंस असेस करेंगे. नो द पेशेंट मेडिकेशन. कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है पेशेंट, वो देखेंगे हम. क्योंकि सर्टेन मेडिकेशन पर्टिकुलर डायुरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव कोज फ्लूड एंड हीमोडाइनमिकली चेंजेस. ठीक है. दीज इंक्रीज पेशेंट टॉलरेंस टू पोजिशनिंग चेंज एंड पोस्टुलर ड्रेनेज. ठीक है. असेस फॉर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन. टेक्निक्स इन चेस्ट फिजियोथेरेपी. टेक्निक्स क्या क्या होती है. चेस्ट फिजियोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ थ्री टेक्निक्स. तो सबसे पहले परकसन या क्लैंपिंग या कपिंग. ठीक है. सेकेंड होता है वाइब्रेशन. थर्ड होता है पोस्टुलर ड्रेनेज. तो सबसे पहले परकसन या क्लैपिंग. तो चेस्ट परकसन इन्वॉल्व रिदमिकली क्लैपिंग ऑन द चेस्ट वॉल ओवर द एरिया बिगिन ड्रेनेज टू फोर्स सिक्रीशन इन टू लार्ज एयरवेज ऑफ एक्सपेक्टोरेंस. ठीक है. पोजिशन ऑफ द हेड टू द फिंगर्स एंड थम्ब टच एंड द हैंड आर कप्ड. ठीक है. मतलब इसमें क्या होता है कि जो फिंगर्स और थंब की पोजीशन ऐसी होती है जो वो टच करें पेशेंट को, और हैंड आर हैंड मतलब कप शेप में बना होता है. ऐसे कंडीशन में चेस्ट को परकशन किया जाता है. ठीक है. इन परफॉर्म चेस्ट परकशन बाय विगोरियसली स्ट्राइकिंग द चेस्ट वॉल अल्टरनेटिव विद कप्ड हैंड. ठीक है. द प्रोसीजर शुड बी प्रोड्यूस ए होलो साउंड एंड शुड नॉट बी पेनफुल. ठीक है.
एक होलो साउंड प्रोड्यूस होगी उससे और पेनफुल नहीं होगा वो परफॉर्म परकशन ओवर ए सिंगल लेयर ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, ज़्यादा कपड़े पहने हुए तो वो उसके ज़्यादा कपड़ों के ऊपर परकशन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इनइफेक्टिव होगा, तो सिंगल लेयर ऑफ क्लोथिंग के ऊपर परकशन करना चाहिए। ठीक है, नोट ओवर बटन और जीपर, कोई बटन या जीपर के ऊपर नहीं करना चाहिए। परकशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर रिब्स या फिर अपर वुंड या फिर सर्जरीज में। डू नॉट परकशन ओवर द स्पाइन स्टर्नम स्टमक और लोअर बैक ऑफ ट्रोमा कैन अकर टू द स्प्लीन लीवर एंड किडनी। ठीक है, टिपिकली ईच एरिया इज परकस्ड फॉर 30 to 60 seconds सेवरल टाइम्स ए डे। ठीक है, उसके बाद में इफ द पेशेंट हैज टेनेसियस सिक्रीशन हैज एरिया मस्ट बी परकस फॉर 3 to 5 minutes सेवरल टाइम्स पर डे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड होता है वाइब्रेशन इज ए जेंटली शेकिंग वाइब्रेशन अप्लाइड ऑन चेस्ट वॉल, मतलब जेंटली शेकिंग की जाती है, शेकिंग प्रेशर डाला जाता है चेस्ट वॉल पे टू मूव सिक्रीशन इनटू लार्ज एयरवे। ठीक है, इसके कारण होता है जो सिक्रीशन होता है वो लार्ज एयरवे में आ सके। द नर्स शुड रिदेमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्म शुड मसल्स ओवर द पेशेंट चेस्ट। ओके, ड्यूरिंग वाइब्रेशन प्लेस योर फ्लैट हैंड फर्मली against the chest wall on the appropriate lungs segment to be drained। ठीक है, वाइब्रेट द चेस्ट वॉल्व एज ए पेशेंट एक्सहेल्स स्लोली थ्रू द परस्यू लिप्स। आफ्टर ईच वाइब्रेशन इनक्रेज द क्लाइंट टू कफ एंड एक्सपेक्टोरेट सिक्रीशन इन टू द स्मूटम कंटेनर। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है पोस्टुरल ड्रेनेज। पोस्टुरल ड्रेनेज इज अ टेक्निक इन विच डिफरेंट पोजिशन इज एज्यूम्ड टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रोंकियल एयरवेज। ठीक है, अलग अलग इसमें पोजिशनिंग दी जाती है पेशेंट को ताकि जो ड्रेनेज है सिक्रीशन का वो ब्रोंकियल एयरवेज से बाहर आ सके। ग्रेविटी हेल्प टू मूव सिक्रीशन इन टू ट्रेकियल टू बी कफ्ड अप ईजिली। ठीक है, द गोल ऑफ पोस्टुलर ड्रेनेज इज टू हेल्प ड्रेन म्यूकस फ्रॉम द अफेक्टेड लोब्स इन टू द लार्ज एयरवे ऑफ लंग्स, इट इज कैन बी कफ्ड अप मोर रेडिली। ठीक है, तो इसका गोल क्या होता है पोस्टुलर ड्रेनेज का, कि जो म्यूकस है उसको ड्रेन किया जा सके अफेक्टेड लोब्स से। ठीक है, इन टू लार्ज एयरवे। ठीक है, लार्ज एयरवे में जो म्यूकस है वो अफेक्टेड लोब्स के अंदर है। ठीक है, तो उसको लार्ज एयरवे के अंदर लिया जा सके और लंग्स एंड भी कफ और कफिंग के द्वारा जो सिक्रीशन है उसके बाद में वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मेन गोल यही होता है कि जो सिक्रीशन होते हैं उनको लार्ज एयरवे के अंदर लाना अफेक्टेड लोब्स से। पोस्टुलर ड्रेनेज, ऑल द पेशेंट डू नॉट रिक्वायर पोस्टुलर ड्रेनेज फॉर ऑल द लंग्स सेगमेंट। ठीक है, सो द प्रोसीजर मस्ट बी बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। इन पोस्टुलर ड्रेनेज ए पर्सन इज टिल्ट और प्रोप्ड एट ए एंगल टू हेल्प ड्रेन सिक्रीशन फ्रॉम द लंग्स। ओके, तो ये होते हैं अलग अलग सेगमेंट्स एंड लोब्स ऑफ लंग्स, जिसके अंदर इनके अलग अलग सेगमेंट और लोब्स में सिक्रीशंस भरा हो सकता है। ठीक है, तो पोस्टुलर ड्रेनेज से इनमें से सिक्रीशंस निकल के लार्ज एयरवे में आ जाएं। तो ये अलग अलग लोब्स बने हुए, जैसे सुपीरियर लोब्स, मिडिल लोब एंड इन्फीरियर लोब। पोस्टुलर ड्रेनेज, उसके बाद में नेक्स्ट है हेल्प द पेशेंट एज्यूम द एप्रोप्रिएट पोजिशन बेस्ड ऑन द लंग फील्ड दैट रिक्वायर ड्रेनेज। ओके, लंग सेगमेंट एंड पोजिशन रिकमेंडेड। तो एपिकल एरिया के अंदर अगर अपर लोब्स के एपिकल एरियाज में अगर सिक्रीशन है तो इस कंडीशन में पेशेंट को सिट एट द एज ऑफ बेड के किनारे बैठने को बोलेंगे। इफ़ द पेशेंट इज नॉट एबल टू सीट एज द बेड यूज हाई फॉलर पोजिशन। अगर पेशेंट बैठने में अनेबल है बेड के एज पर तो उसको हाई फॉलर पोजिशन देंगे। ठीक है, ऐसी पोजिशन देंगे, अपर लोब्स एपिकल सेगमेंट पोजिशन फर्स्ट।
उसके बाद में है पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ द अपर लोब। अगर पोस्टीरियर अपर सेक्शन के पोस्टीरियर लोब में है तो पोजीशन सुपाइन देंगे विद पिल्लो अंडर द हिप एंड नी फ्लेक्स्ड, ठीक है। उसके बाद में मिडल और लोअर लोब में है तो विद द बेड द ट्रेंडल पोजीशन देंगे, पोजीशन द पेशेंट इन सिम्स पोजीशन, ठीक है। टू ड्रेन द लेफ्ट लंग्स पोजीशन द पेशेंट ऑन हिज राइट साइड फॉर द राइट लंग पोजिशन ऑफ द पेशेंट लेफ्ट साइड, ओके। पोस्टीरियर लोअर लोब के लिए कीपिंग द बेड फ्लैट, पोजिशन द पेशेंट प्रोन ऑन ए पिल्लो अंडर हिज स्टमक, ओके। मिडल लोब के लिए पोजिशन नहीं है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर लोअर लोब, तो ये पोस्टीरियर लोअर लोब के लिए पोजीशन है अंडर एब्डोमन पिलो। उसके बाद में आफ्टर पोजीशनिंग द क्लाइंट हैव द पेशेंट रिमेन इन द डिजायरेबल पोजीशन फॉर 10 to 15 minutes इफ टॉलरेट, ओके। परफॉर्म परकशन एंड वाइब्रेशन बाय कीपिंग द क्लाइंट इन पोजीशन। सीक्वेंस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी इज यूजुअली एज फॉलोज, पोजिशनिंग, परकशन, वाइब्रेशन एंड रिमूवल ऑफ सिक्रीशन बाय कफिंग और सक्शनिंग। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फॉलोइंग चेस्ट फिजियोथेरेपी द नर्स शुड एस्कल्टेट द नर्स लंग्स, कंपेयर द फाइंडिंग टू बेसलाइन डाटा एंड डॉक्यूमेंट द अमाउंट, कलर एंड कैरेक्टर ऑफ एक्सपेक्टोरेट सिक्रीशंस। तो ये हमारी होगी चेस्ट फिजियोथेरेपी, ओके। थैंक यू।